सो हेलो दोस्तों, आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनका नाम 2012 से फोर्ब्स इंडिया 100 की लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर फिल्म फेयर जैसे कई अवार्ड्स जीते हैं, जो एक मॉडल, एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा जी की, जो अपनी खासी एक्टिंग और अपने विनम्र स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी इस मोटिवेशनल स्टोरी को और जानते हैं कि ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस कैसे बनी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, अनुष्का शर्मा की इस कहानी की शुरुआत होती है 1 मई 1988 को, जब अयोध्या उत्तर प्रदेश इंडिया में इनका एक हिंदू परिवार में जन्म हुआ। इनके पिता अजय कुमार शर्मा एक आर्मी ऑफिसर हैं और इनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। इनके एक बड़े भाई भी हैं करनेश शर्मा, जो कि मर्चेंट नेवी में एक ऑफिसर थे, लेकिन वह भी अब एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। तो दोस्तों, इस तरह अनुष्का शर्मा एक आर्मी बैकग्राउंड से संबंध रखती हैं। चूँकि इनके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए इनकी शुरुआती पढ़ाई आर्मी स्कूल से ही हुई। इसके बाद ये बेंगलोर चली गई और वहाँ से इन्होंने माउंट कार्मेल कॉलेज से आर्ट में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इन्हें पहली बार वेंडल रॉड्रिक्स ने 2007 में मॉडलिंग करने का मौका दिया और फिर ये अपना फुल टाइम मॉडलिंग करियर बनाने के लिए मुंबई आ गईं और इन्होंने लैक्मी फैशन वीक से अपना रनवे डेब्यू किया। इसके बाद ये सिल्क एंड शाइन और विस्पर जैसे कई ब्रांड्स के एड में नजर आईं। फिर इन्होंने सोचा कि शायद मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हूँ और इन्होंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया और फिल्मों के लिए ऑडिशन भी देने लगी। और फिर 2008 में इन्हें यशराज फिल्म से एक साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर हुआ और इन्होंने इसे साइन कर दिया। और फिर 2008 में ही इन्होंने यशराज फिल्म के बैनर तले बनी आदित्य चोपड़ा की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से बॉलीवुड में शानदार डेब्यू किया। इस फिल्म में इनके ऑपोजिट कैरेक्टर में शाहरुख खान नजर आए थे और इस फिल्म में लोगों ने इनके काम की खूब सराहना की और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू और फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नामांकन भी किया गया। इसके बाद इनकी 2010 में फिल्म बदमाश कंपनी आई और इनकी इस फिल्म को लोगों ने मिक्स रिव्यूज दिए। इस फिल्म में इनके साथ शाहिद कपूर नजर आए थे। फिर इन्होंने 2010 में ही फिल्म बैंड बाजा बारात में काम किया और इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म में इनके साथ रणवीर सिंह नजर आए थे और इनकी इस फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया और ये रणवीर सिंह की डेब्यू फिल्म थी। इसी फिल्म के साथ इनका यशराज फिल्म के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद इन्होंने पटियाला हाउस, लेडीज वर्सेज रिकी बहल और शाहरुख खान की जब तक है जान मूवी की। इनके रोल को इस फिल्म में खूब पसंद किया गया और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से भी नवाजा गया। इसके बाद इन्होंने पीके, एनस्टेन, दिल धड़कने दो, सुल्तान, ए दिल है मुश्किल, संजू, सुई धागा, जीरो और अंग्रेजी मीडियम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया और खुद को एक सफल अभिनेत्री के रूप में साबित किया। दोस्तों, अनुष्का शर्मा ने 2015 में क्लीन स्लेट फिल्म नाम की अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी शुरू की, जिसके बैनर तले एनस्टेन मूवी बन चुकी है और लोगों ने इनकी इस मूवी को खूब पसंद किया था। इसके अलावा ये काफ़ी चैरिटीज और सोशल फाउंडेशन का भी हिस्सा रह चुकी हैं। दोस्तों, अनुष्का शर्मा बताती हैं कि उन्होंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वो उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाई थी और ये बात इन्होंने राजकुमार हिरानी और आमिर खान को अपनी पी के फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताई थी और अपना ऑडिशन वीडियो क्लिप भी दिखाया था। और राजकुमार हिरानी को ये बिल्कुल भी याद नहीं कि अनुष्का शर्मा ने उनकी फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था। इतना अच्छा ड्रेस दिया बेचारी ने, तो ये रिजेक्ट कर दिया उसको यार, इट्स नॉट गुड, ये ठीक नहीं। और इस फिल्म के लिए इन्होंने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से पहले ऑडिशन दिया था। दोस्तों, अगर बात करें इनकी मैरिज लाइफ की तो इनकी शादी इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली से 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और ये एक दूसरे से पहली बार 2015 में एक शैम्पू एड के दौरान मिले थे। दोस्तों, अनुष्का शर्मा फिलहाल प्रेग्नेंट हैं और जनवरी 2021 में अपने न्यू बेबी को वेलकम करने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी अनुष्का शर्मा की मोटिवेशनल स्टोरी। हम उम्मीद करते हैं कि इनके आने वाली सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करके बेल के आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट करना भी ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।